dear student of class 10th you are welcome in lecture number 8 in previous chapter we had discussed about economic importance of primary sector today we will discuss about economic importance of secondary sector so let me change my accent in urdu प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर यानी दूसरे दर्जे पर क्या अहमियत है अब हम बात करते हैं आज जैसे सेकेंडरी सेक्टर क्या है इसमें खाम माल को एक नई शक्ल में तामीर करके एक बेहतरीन चीज़ वजूद में लाना और इस चीज़ को वह लोग अंजाम दे सकते हैं जो हुनरमंद हो यानी जिनके हाथ में हुनर हो दस्तकारी हो और वह लोग इसको तब्दील कर सकते हैं जैसे हम बात करें एक लकड़ी होती है ना खाम मवाद उसको एक तरखान जो है एक बेहतरीन शक्ल में तब्दील करता है तरखान जो है एक लकड़ी को कुर्सी की शक्ल में बनाता था है टेबल की शक्ल में बनाता है और फिर अपना गुजार कमाता है और हैंडी क्राफ्ट यानि दस्तकार जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं अब हम बात करें कारपेट्स की जो कारपेट बनाने का अमल जो है कश्मीर से स्टार्ट हुआ है क्योंकि कश्मीर जो है एक बेहतरीन मुकाम है जहाँ बादशाह आबदीन ने जो है कारपेट वेवर्स जो है बाहर से मंगाए थे यानि कौन से देश से प्रशिया और सेंट्रल एशिया से ताकि कश्मीर के लोगों को एक हुनरमंद बनाया जाए और वो भी कारपेट यानी कालीन वग़ैरह बनाए तो जब बादशाह ने उन लोगों को कश्मीर में लाया सेंट्रल एशिया और प्रशिया से तो कहा कि यहाँ के आम लोग जो हैं कश्मीर के इनको भी हुनरमंद बनाया जाए और ताकि ये अपना रोजगार अपने हुनर से कमा सके यानी कश्मीर की बात कर दी जाए तो शाल्स, कश्मीरी शालस तो आपको पता है कि कितने मशहूर हैं यानी ये शाल जो है कश्मीर का एक स्पेशल कपड़ा होता है जो औरतें अपने जिसम को ढाकने के लिए लगाती हैं और फिर जो है एक बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरती का मुजाहरा करते हैं और कश्मीर के जो शाल है वो तीन किस्म के पश्चिम से बनता है यानी पहले नंबर शाहतुष पशमीना और रफ़ल ये तीन तरह के पशम हैं ये बहुत महंगे हैं और बात करें हम अब शाहतुष शाल की ये इसको माना जाता है सबसे महंगा शाल इन तीन शालों में से जैसे शाहतुष का पशमीना और रफल इन तीनों में से सबसे महंगा शाल शाहतुष का होता है और इसको नाम रखा गया है रिंग शॉल शाहतुस के पश्चिम से जो शॉल बनता है उसका नाम रखा है रिंग शॉल क्योंकि यह रिंग टेस्ट पास करता है और शाहतुस का जो पश्चिम जो है वो एक तिब्बतीन एंटेलोप यानी एक हिरन की तरह जंगली जानवर जो बहुत ही ऊंचाई यानी चौदह हजार फीट समंदर की सत्ता से रहता है और इसके मलाइम बालों से यह पशम बनता है और फिर मशीनों में पशम को एक बेहतरीन कपड़े की शक्ल में इख्तियार कर दिया जाता है पशमीना एक ऐसे किस्म का पशम है जो सबसे पहले कश्मीर में बुना गया और फिर इसका नाम जो है प्रशियन पशमीना रखा क्यों क्योंकि यह प्रशिया से आने वाले लोगों ने बनाया और फिर इसको मुंतकिल मुंतकिल किया दूसरे नाम में सॉफ़्ट गोल्ड के नाम से यानी इसको जाना गया सॉफ्ट गोल्ड के नाम से अब रफ़ल जो है रफ़ल का शाल भी एक बेहतरीन शाल है ये भी अपने अंदर एक बेहतरीन खोबी का हामिल है और ये शाल भी बहुत मशहूर है तो ये थे बच्चों तीन किस्म के शाल जो कश्मीर में बनते हैं और इन तीनों शालों में से सबसे महंगा शाल शाहतुस का शाल है फिर हम बात करें वुड कर्विंग्स की यानी जो लोग लकड़ियों के ऊपर नक्शा तराशते हैं और तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं जैसे लकड़ी से बनाए गए सोफ़े कुर्सियाँ टेबल्स और अलमराज पे जो नक्शा तराशने वाले लोग होते हैं वो इन पे फूलों के नक्शे फ्रूट्स फलों के नक्शे चिनार के पत्तों के नक्शे बनाकर एक बेहतरीन और उम्दा चीज वजूद में लाते हैं अब लद्दाखी कारपेट की बात की जाए तो लद्दाख के लोग भी कारपेट बनाते हैं लेकिन उनके कारपेट जो है खुद के इस्तेमाल के लिए होते हैं वो मार्केट में बेचते नहीं हैं लद्दाख के कारपेट सिर्फ लद्दाख के यूज पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं लोग जो है और ये लद्दाख के कारपेट जो है किस नाम से मशहूर है खालिदन एंड सुखदन के नाम से तो ये था बच्चों सेकेंडरी सेक्टर जहाँ से लोग खाम माल को एक बेहतरीन शक्ल में तामीर करके रोज़गार कमाते हैं तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ही खत्म होता है दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज